आई थिंक स्कूल चेंज करना बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है सभी के लिए। लाइक हम किसी को नहीं जानते, एवरीबॉडी इज अननोन। और अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी नए स्कूल में घुल मिल जाते हैं, बट फिर कुछ स्टूडेंट्स मेरे तरह, इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई शाई वगैरह लड़का हूँ, मैं बस किसी से खुद से जाके बात नहीं कर सकता। इट्स रियली ऑकवर्ड। लाइक वॉट इफ सामने वाला एक निकले और मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर दे। एंड नो मैटर तुम अपने स्कूल से कितना भी नफरत करते हो, जब वो स्कूल छोड़ने का टाइम आ जाता है ना, यू विल ऑलवेज गेट अ बिट इमोशनल। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं नया स्कूल ज्वाइन करने का एक एक्साइटमेंट भी होता है। कुछ लोग नया बिल्डिंग, नया एटमोसफेयर देख के उतावले होते हैं, और कुछ बस यही सोच के खुश होते हैं कि यार अब क्लास में नई लड़कियां देखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक नया स्कूल ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला दिन ही डरावना होता है। पहला दिन के बाद इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर। पहला दिन इन नया स्कूल इज ऑलमोस्ट लाइक किसी जंगल में अकेले सैर पर जाना, एज बिकॉज एवरीवन लुक्स सो सिमिलर। सब एक जैसे ही लगते हैं, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी स्कूल चेंज किया है। एंड दोस पीपल जिन्होंने कभी स्कूल चेंज नहीं किया, यू गाइस आर लकी। अगर तुमसे आके कोई पूछेगा कि कौन से स्कूल से पास आउट हो, तो सिंपली यू वुड से XYZ स्कूल, नो कंफ्यूजन। बट यही सवाल जब लोग हमें पूछते हैं, इट इज टोटली कंफ्यूजिंग, बिकॉज इसको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मेरे पूरे स्कूल लाइफ में मैंने 7 स्कूल्स चेंज किए हैं। आई नो यकीन करना डिफिकल्ट है, बट मेरा पूरा बचपन ही अलग अलग स्टेट्स के चक्कर काटने में बीते हैं। सो was no other option. It was class 6 जब मैंने for the very first time school change किया था। सबसे पहले तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, ये सोच के कि next दिन नए school में जाना है। I was so scared. And जैसे तैसे मैंने bag pack किया and I got ready. We got into a taxi and मैं front seat पे बैठा था and मुझे याद है डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और from the back मुझे मम्मी पापा की खिटपिट सुनाई दे रही थी। पता नहीं किसी बिल या किसी पेपर्स को लेके दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्या यार, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है यार, यहाँ मेरी फट्टी पड़ी है और ये लोग अपनी ही दुनिया में हैं। एंड देन सडनली टैक्सी रुक गया एंड आई न्यू अब कुछ नहीं हो सकता, स्कूल आ चुका है एंड अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं टैक्सी से उतरा एंड आई सॉ माय मॉम। पता नहीं आगे क्या होगा। आई थिंक सारे स्कूल्स को ना, न्यू स्टूडेंट्स को स्कूल का एक मैप भी देना चाहिए, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि कौन सा क्लासरूम किधर है। एंड मैं कोई गलत क्लासरूम में घुस के अपने आप को एम्बेरस भी नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, बट आई स्टिल मैनेज टू आस्क अ पियोन, हाय क्लास 7 किधर है। उसने मुझे एक बहुत ही इरिटेटिंग सा लुक दिया, लाइक पता नहीं उससे क्या पूछ लिया हो मैंने। एंड उसने मुझे राइट की तरफ इशारा किया एंड साले ने कुछ बोला ही नहीं। फाइनली थोड़ा बहुत घूमने के बाद आई फाउंड क्लास 7, बट देन देयर वर 3 क्लासरूम्स, 7A, B, C। एक तो इतनी मुश्किल से इतने बड़े भूल भुलैया में क्लास 7 ढूंढ के निकाला, अब फिर इतने सारे क्लासरूम्स, चल क्या रहा है यार मेरे साथ। मैं उधर ही चुपचाप बैठ गया, होपिंग कि मेरा मासूम सा शकल कोई देखे और मुझे बताए कि मेरा सेक्शन क्या है। सून एनफ एक टीचर ने मुझे क्लास के अंदर बुलाया एंड उसने प्रोबेबली मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम करने को बोल दिया। कम ऑन कीर्ति, इंट्रोडक्शन दो सबको अपना। एंड तुम लोगों ने मेरे वियर्ड इंडियन नेम्स वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा ही होगा कि मेरा यूनिक नेम कीर्ति को लेके हर जगह कितने लफड़े होते हैं। जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा, जाके देख लो यार, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगी। सो मैंने अपना नाम बताया एंड मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे शक्ल बनाने लगे एंड मुझे तो समझ में ही आ गया एंड आई वॉज ऑलरेडी एम्बेरस्ड, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते। एंड somehow पता नहीं क्यों उस टीचर ने मुझे एक चिरांद बच्चे के पास बिठा दिया। ही वॉज रियली वियर्ड एंड मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि साले से बात क्या करूं। एंड जिंदगी में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो ना साला बात करता है और ना ही कुछ रिस्पॉन्स देता है। एंड यही सब हरकतें करते करते स्कूल का पूरा दिन खत्म हो गया। विद इन अ वीक मेरे कुछ दोस्त वगैरह बन गए एंड उसके बाद से इट वॉज ऑल फाइन। और क्लास 7 के बाद मैंने जितनी बार भी स्कूल चेंज किया मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पर यार वो बंदा, उसका एक अलग ही खतरनाक स्टोरी है, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो दिस वाज हाउ माय फर्स्ट डे एट स्कूल वाज। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि तुम लोगों ने कितनी बार स्कूल चेंज किया है एंड तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो अगर तुम्हें आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर सम रिलेटेबल कॉमिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, बाय बाय।